अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस वक्त हंसते मुस्कुराते ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अल्लाह सबको खुश रखे जो जो मेरी वीडियोस देखता है, पसंद करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है। थैंक यू सो मच, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। तो ऐसे तो आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे मेरे चैनल पे, मदीना मुनव्वरा की बारिश पे, हैवी रेन पे। लेकिन इस व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि जिस दिन तूफानी बारिश हुई उस दिन मैंने सरवाइव कैसे किया। मतलब ये कि उस दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ और वो दिन मैंने कैसे गुजारा, कैसे हम लोग घर तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग काम पे थे। तो तकरीबन ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था जब तेज़ आंधियाँ चलना शुरू हो गई थी और ये सूरत हाल चल रही थी मदीना मुनव्वरा में। और ज़रा अंदाज़ा नहीं था मुझे कि आज बारिश होगी। इतना तेज़ तूफान है, पूरी गाड़ी हिल रही है। अल्लाह खैर करे। ये सारा सीन चल रहा था, आगे गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी, मिट्टी का तूफान आया हुआ था। मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हल्की हल्की सी ना बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो भी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था मुझे पता नहीं था। बस हम मतलब अपने ऑर्डर्स पूरे कर रहे थे, लोकेशंस पे जा रहे थे, उसके बाद जो हुआ लेट है। आप हालत ख़राब हो गई है भाई, इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा हूँ और अभी एक ऑर्डर है, पता नहीं कैसे पिक करूंगा मैं। अल्लाह खैर करे। सीन कुछ ऐसे हैं, बड़ी मुश्किलों से शर्ट के अंदर छुपा के ऑर्डर लाया हूँ, कपड़े पूरे भीग चुके हैं। बस अल्लाह खैर करे, 15 किलोमीटर दूर पहुंचानी है, पता नहीं कैसे पहुंचाएंगे। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कपड़े भीगने की वजह से हम लोग एसी भी नहीं चला सकते। आज जो सीन हो गया ना, जिंदगी में कभी नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। लेकिन अल्लाह खैर करे, क्योंकि हम लोगों का रास्ता अभी 17 मिनट दूर है। मस्जिद किबला तैन के पास कुछ ये हालत हो रही है। बहुत लोगों की बेचारों की गाड़ियां बंद हो गई हैं। अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह आसानी करे। तो सीन कुछ ऐसे हैं, आप लोग पानी चेक कर सकते हो। जस्ट अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं बारिश को और हाल ये हो गया है। बस अब अल्लाह खैर करे, हम लोग खैरियत से ये ऑर्डर डिलीवर करके तो घर चले जाएं अपने। वैसे तो मेरा इरादा था ज़्यादा देर तक काम करने का, लेकिन अब ये सूरत हाल आप लोगों के सामने, मेरी फैमिली भी ये वीडियो देख ले ताकि मुझे कल को काम चोर ना बोले कि ये तो काम करता नहीं है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। तो क्या करें, जब अल्लाह का हुक्म होगा तभी करेंगे ना। ये देखो कोई चीज़ें गिरी भी हैं रोड पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। ओए होए 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 होए, ये तो ख़तरनाक सीन है भाई। दरअसल मसला है, सऊदीया में कभी इतनी तेज़ बारिशें हुई नहीं हैं जब से मतलब पैदा हुआ हूँ मैं। तो अब माशाल्लाह ज़्यादा होने लगी हैं, तो इधर पानी रुक जाता है। इनका मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि पानी फ़ौरन निकल जाए, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान में आई थिंक है, यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग मज़े ले रहे हैं बारिश के और कुछ लोग हमारी तरह के जो काम पे हैं वो ज़रा परेशान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे खैरियत से ये
ऑर्डर पहुंच जाए हमारा और हम लोग घर जाएं। वो कहते हैं ना, जब आपको लगे कि आपका बुरा टाइम चल रहा है तो वक्त रुक सा जाता है। 16 मिनट से अभी तक 13 मिनट तक पहुंचे हम लोग, लेकिन आई होप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम ये डिलीवर करके खैर वाफियत से घर जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी हालात बहुत टाइट हैं भाई, हालात बहुत टाइट हैं। आप लोग पानी तो देखो भला, ऐसे लग रहा है समुंदर में से निकल के जा रहा हूँ मैं। और बारिश माशाल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रही। तो सीन कुछ ऐसे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे शीशे धुंधले होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे समझ लो कि अंदर एसी भी नहीं चल रहा और ऑक्सीजन की वजह से शायद ऐसे होता है, पता नहीं हवा की वजह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे शीशे बिल्कुल धुंधले होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे। आगे गाड़ियाँ रुकती जा रही हैं और रश होता जा रहा है आगे। हम लोगों ने भी डबल इशारे चला लिए हैं ताकि पीछे जो गाड़ियों वाले आ रहे हैं हमारे भाई वो भी ज़रा स्लो कर लें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब आराम से ही जा रहे हैं। बारिश माशाल्लाह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। या अल्लाह, ये बारिश इतनी रहमत वाली हो। सबके काम हो जाए दुरुस्त जिंदगी में, मतलब दिल की हसरतें पूरी हो जाए, जायज ख्वाहिशात इंसान की, और हम अमीर हो जाएं, पैसा बांटे लोगों में। आमीन। अल्लाह इतना बड़ा दिल दे साथ, इतने ज़्यादा पैसों के साथ मज़ा आए। पहले अपने अम्मी अब्बू को हज कराएं हम, फिर खुद उम्रा करें, फिर गरीबों को उम्रे कराएं। आमीन, मज़ा आ जाए। अल्लाह खैर करे। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बारिश तेज़ होती जा रही है और शीशा धुंधला होता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग लोकेशन के करीब हैं, 6 मिनट का रास्ता बच गया है बाकी। तो आई होप इंशाल्लाह हम लोग ये रास्ता भी अपना क्लियर करेंगे और ये डिलीवरी करके लास्ट क्लोजिंग करके निकल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में काम करना ठीक नहीं है। आज असल में मैं बारिश का ही व्लॉग एडिट कर रहा था, जो लास्ट टाइम हुई थी बारिश तकरीबन 22 अगस्त को। तो मुझे नहीं पता था कि 28 अगस्त को जब मैं एडिट कर रहा हूँगा तो फिर से माशाल्लाह बारिश होगी, और इस व्लॉग में मेरे ख़्याल से ज़्यादा ख़तरनाक बारिश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 3 मिनट की लोकेशन बची है, जो कि आई होप इंशाल्लाह हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब अल्लाह करे जो अंदर सामान है उसका कुछ कॉफ़ी वगैरह इंशाल्लाह ख़राब नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने अपने कपड़े ख़राब कर लिए। मैंने कहा ऑर्डर ख़राब ना हो, क्योंकि बेचारे ने पैसे भरे हैं, जो भी है लड़का या लड़की है जो भी है, तो देखते हैं अल्लाह खैर करे। बाकी कुछ हो ना हो, मौसम अखीर हो गया। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए हैं। अब मुझे समझ नहीं लग रही इस मौसम में काम करना चाहिए कि नहीं, और मैं इतना दूर हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि बारिश रुक गई है। तो सीन कुछ ऐसे हैं, हवा तो बड़ी तेज़ चल रही है लेकिन बारिश कम हो गई है। तो मैं अभी डिसाइड कर ही रहा था कि हम लोग काम कंटिन्यू करें या ना करें, उतनी देर में हमें एक ऑर्डर आ गया और वो 17 मिनट की दूरी पे है। तो जो हमारा होटल है वो 16-17 मिनट की दूरी पे है, और कस्टमर पता नहीं कहाँ होगा, तो अब कुछ कर नहीं सकते, देखते हैं क्या होता, अल्लाह खैर करे। तो सीन कुछ ऐसे हैं,
नज़ारा तो बड़ा आला हो गया लेकिन रश भी बड़ा आला हो गया, तो बस अल्लाह ही खैर करे। आप जब ऐसी ब्रेकें लगती हैं तो हालत टाइट हो जाती है, हालत टाइट हो जाती है बंदे की। तो अब जाके आया करार, तो अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, सारी गिली होगी कार। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे पानी भरा हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सब ओके है। मंजर बड़े खूबसूरत है आज, मंजर बड़े खूबसूरत हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मौसम के हिसाब से क्या गाड़ी है, माशाल्लाह 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 क्या गाड़ी है। गाड़ी हो तो मर्सिडीज। चलो शुक्र है सिग्नल खुला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मौसम की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। तो हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं लेकिन अभी भी हम थोड़े से गरीब हैं। क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये वीडियो, ये देखो ये देखो ये देखो, ऊपर से बंदे देख रहे हैं हमें, हाई भी बढ़ी है। वंस अगेन हम आए हैं मनार मॉल। तो सीन कुछ ऐसे हैं, कपड़े फुल गीले हैं और मॉल में फुल एसी चल रहे हैं, बस अल्लाह ही खैर करे यार। तुम लोग क्या देख रहे हो इधर, तुम लोगों का अलग ही चतवाया। ये देखो भाई माहौल बना हुआ है, माहौल इधर। एक तो फुल गीला था मैं, ऊपर से हवा लगी है एसी की, बस अल्लाह ही खैर करे। मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, तो बस मैं लास्ट ऑर्डर दे के शायद घर चला जाऊं। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बारिश में ये बंदा नहीं गया, और अब बारिश बंद हो गई है तो जा रहा। असल में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं मॉल में गया हूं तो काफ़ी तेज़ एसी थे और मेरे कपड़े पूरे गीले थे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ असर हुआ है। तो बस जब तक असर पड़े पूरा तब तक मैं घर पहुँच जाऊँ, और अल्लाह करे ना पड़े। अल्लाह खैर करे, बड़े ख़तरनाक रास्ते। और ये देखो माशाल्लाह बिल्ली के बच्चे। मैं पता नहीं कौन सी गलियों में घुस गया हूँ, अब कैसे निकलूंगा मुझे खुद नहीं पता। ऐसे लग रहा किसी पुराने जमाने में आ गया हूँ, बस अल्लाह ही खैर करे यहाँ से निकले और हम लोग खैर से घर पहुंचे। देखो कितनी पतली पतली गलियां हैं, पता नहीं यहाँ से कैसे निकलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग रोड पे निकल ही आए, अब फटाफट हम लोग घर पहुंच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के पास पास पहुंच गए हैं, लेकिन गाड़ी झटके से मार रही है, थोड़ी सी परेशानी लग गई है मुझे, वो मैं आप लोगों को घर जाके बताता हूँ घर के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं घर के पास पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, कोई हादसा पेश नहीं आया किसी के साथ या हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी का भी बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया मेरी गाड़ी का, उससे मुझे यहाँ तक पहुँचा। अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गाड़ी झटके मार रही है। अब मुझे नहीं पता, शायद प्लग्स में पानी चला गया या साइलेंसर में पानी चला गया। जो लास्ट डिलीवरी में करके आया वो बहुत गलियों में थी, और कुछ जगहों पे पानी ज़्यादा था जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी गुजारनी पड़ी, मतलब मजबूरन लोकेशन वही थी। तो कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, क्योंकि इस टाइम हम हीरो से ज़ीरो बने हुए हैं बिल्कुल, मतलब वॉलेट के मामले में, पॉकेट के मामले में जेबें हमारी खाली हो चुकी हैं। लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जब तक आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लेकिन अल्लाह करे गाड़ी को कुछ ना हो, क्योंकि इस वक्त काम करने का मेरे पास यही ज़रिया है। बाकी आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए मैं सब कुछ बताता रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि इतनी सेंटी बातें क्यों करते हो, लोगों को तुम्हारी ये बातें पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा या बुरा मैं आप लोगों को बताता हूँ।
बाकी अपना बहुत ख्याल रखो। नहीं, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो, हमारी यूट्यूब फैमिली में हिस्सा डालो, उसका हिस्सा बनो। ठीक है, बाकी अपना बहुत ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।